इतनी इस कथा से आप ये समझिए कि यदि आप यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना, मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे, खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक, तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा, अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो, हमारे लिए माटी है। हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है, और फोकट का, फ्री का, पाप का, भ्रष्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसे 1 करोड़ रुपया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना, क्योंकि 1 करोड़ लेने के बाद वह 1 करोड़ तुम्हारी जितनी शांति है वो शांति भी लेकर चला जाएगा। पहले तो मजा आएगा, मैं करोड़पति हो गया, लेकिन बाद में जो खुजली होती है ना, खुजली में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। भ्रष्टाचार करने में बड़ा मजा आता, मिल गया फोकट का, मिल गया, गलत ढंग से कमा लिया, मिल गया, पर जब उसका जो रिएक्शन होता है ना, हाँ जी, वो गजब कर देता है। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलत ढंग से 1 रुपए भी मत कमाइएगा, मेहनत का कमाइएगा। धृतराष्ट्र ने यही गलती की, भाई का अधिकार हड़प लिया। आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हड़पा हो तो सम्मान इज्जत से लौटा दो, इसी से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई भले ना देखे पर विधाता तो देख रहा है, वो अंधा थोड़ी है, धृतराष्ट्र अंधे थे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। अच्छा, लाक्षाग्रह में बंद किया, लाक्षाग्रह में बंद किया, कौरवों ने पांडवों को लाक्षाग्रह में बंद किया और आग लगा दी। संयोग से, भगवान की कृपा से विदुर जी ये मर्म जान गए, और भगवान की प्रेरणा से पांचों पांडव कुंती सहित, अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती माता भी हैं और पांचों माँ और पांचों बेटों को मारने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अब जब दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और लाक्षाग्रह में आग लगाई तो पांडव नीचे से निकल के भागे गुफा से, और वहां पर 5 लोग सचमुच जलकर मर गए, है ना। तो हल्ला यही फैल गया कि पांडव मर गए। अब तो इन लोगों ने बड़ी चैन की सांस ली, धृतराष्ट्र तो दिखाने में बहुत रोए, मेरी कुंती चली गई, मेरे बच्चे चले गए, पर अंदर बड़े प्रसन्न थे, ठीक मर गए, ठीक मर गए, ठीक मर गए, हमारा तो रास्ता साफ हो गया, साफ हो गया, पर ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से खुश है। दुर्योधन बड़ा खुश, फूला नहीं समा रहा कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। अब देखिएगा, दूसरों को मार कर जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब किसी आदमी को आप जिंदा जलाएं और उसकी संपत्ति से आप कहें कि संपत्ति
हमने इस संपत्ति के असली मालिक को जिंदा जला दिया और ऐ संपत्ति अब तुम हमें सुख दो। क्या ऐसी संपत्ति तुम्हें सुख देगी? और दुर्योधन ने यही चाहा, पांडवों को जला दिया आग में। और अच्छा, पांडव तो बच के निकल गए, पर इन्हें लग रहा है कि मर गए। इन लोगों ने तो तेरही वेरही भी कर ली, पांडवों की तेरही भी कर ली, कुंती की तेरही भी कर ली, और बड़े खुशी मना रहे हैं, ठीक मर गए। पर जाको रखें राम जी, मार सके ना कोए, बाल ना बाका कर सके जग में जो बैरी होए। अरे कौन उन्हें मारेगा जिन्हें बचाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसीलिए कहा करता हूं, जमाने पर विश्वास ना करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। आग में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को जला सके, इसीलिए मरते दम तक भगवान के श्री चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा। लाख दुश्मन आपके साथ आपको मारने का प्रयास कर रहे हो, लाख दुश्मन एक तरफ और मेरे श्री कृष्ण की कृपा एक तरफ। इसीलिए केवल विश्वास, विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के श्री चरणों में केवल विश्वास रखिएगा।